राहुल गांधी की पीसी से, तो ये देखिए तस्वीरें करूंगा कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे और फिर आपके सवालों का जवाब लेंगे। आदरणीय राहुल जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, हाउ यू एवरीवन, एवरीवन सेफ ब्रॉडली? No, I mean from COVID. No, please, I don't mean from losing your jobs, I mean from COVID. No, so I want to, मैं आज जो किसानों की समस्या है, जो दिल्ली के चारों ओर हो रहा है, और बजट पे थोड़े पॉइंट्स रखना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। टुडे दिल्ली इज सराउंडेड बाय आवर फार्मर्स, दे आर द पीपल हु गिव अस sustenance, they are the people who work for us. Why is Delhi being converted into a fortress? Why are we threatening our farmers, beating our farmers, killing our farmers? Why is the government not talking to the farmers? And why is the government not resolving this problem? This problem is not good for our country. It is not good for the peace and harmony in our country. It's not good for the future of our kisans. They need clarity. The Prime Minister saying that the offer is still on the table to postpone these laws for 2 years. What does that mean? Either you believe that you need to get rid of the laws or you don't. So I feel that this issue needs to be resolved as soon as possible, and the government needs to listen, because kisans are not going away. मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। तो ये किसानों पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में, कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। ये बजट 1% आबादी का बजट है, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, किसान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उन सब से आपने पैसा छीन कर लेकर उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो भी फायदा उनको मिलेगा। और हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत थी? हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू करना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन से ही होगी, वो सप्लाई साइड से नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार ने न्याय योजना जैसा काम किया होता, अगर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को पैसा दिया होता, उनको प्रोटेक्ट किया होता, इकोनॉमी चालू हो सकती थी। सप्लाई साइड में पैसा देने से इकोनॉमी चालू नहीं होगी। ये
इसको ट्राई करते जा रहे हैं, 1% को पैसा देते जा रहे हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टार्ट होगी, नहीं होगी, ये रियलिटी है। और सबसे जरूरी बात, मेरे लिए सबसे जरूरी बात, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे, 3-4 हजार करोड़ रुपए आपने बढ़ाया, चाइना को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना है करो, हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे। जो हमारे जवान लद्दाख में हैं, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है और हमारी सरकार फोर्सेस को पैसा नहीं दे रही है, और जो हमारा है फोर्सेस का है वो उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है, मैं दोहरा रहा हूं, इससे देश को फायदा नहीं हो रहा है। इस समय फोर्सेस की कमिटमेंट 100% है, सरकार की कमिटमेंट 110% होनी चाहिए, मतलब जो भी हमारी सेना को चाहिए, जो भी हमारी एयरफोर्स को चाहिए, जो भी हमारी नेवी को चाहिए, सरकार को देना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सर्दी में लद्दाख में हमारी सेना खड़ी है और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो? ये कौन सा नेशनलिज्म है? अब आप सवाल पूछिए। थैंक यू सर, आई विल कम वन बाय वन। अच्छा, आई हैव गॉट पार्लियामेंट, सो वी हैव टू हैव स्लाइटली लिमिटेड इंटरेक्शन। ANI सिद्धार्थ सर, प्राइमरी साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा आपको बात करने के लिए, तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, क्योंकि जब भी हेजिटेशन हुआ है प्रधानमंत्री की एक ही बात है जो पब्लिक डोमेन में आई है, उसके ऊपर व्यू, आर यू सेटिस्फाइड विद द व्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस? नो, व्हाट व्यू? नहीं, द व्यू दैट वो जो ऑफर था उसको, वो टेबल पे है वो व्यू। नहीं, बात तो कर सकते हैं, मगर किसानों के इशू क्या है? किसानों के इशू ये है कि इन कानूनों को वापस लीजिए, और कोई इशू तो है ही नहीं। देखिए हुआ क्या, सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने GST लागू की, एग्रीकल्चर पे GST लागू की, आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया, उसके बाद कोविड आ गया और जबरदस्त डैमेज हुआ। ब्राइट स्पॉट क्या था, जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो, वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो वन फोन कॉल अवे, मतलब क्या वन फोन कॉल अवे? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री, और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था उसको भी आपने तोड़ दिया। उमा शंकर जी, राहुल, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट करके किसान जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति अपना समर्थन जताया है, उससे विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है कि ये जो है ये सही नहीं है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है इन सब तथ्यों को। इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है मेरा, ये हमारा इंटरनल मैटर है,
ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। थैंक यू। बीटीआई संजीव सिंह। राहुल जी, मैनर एंड